अब इससे बनने वाली अपनी चटनी मेन, ये देखो अब हो रही पुदीने की कटिंग आराम से, ये देखो फाइनली अपनी ये रोटी तैयार हो चुकी है, फर्स्ट रोटी। सो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे आप सभी, उम्मीद आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस तो फाइनली आज हम बना रहे हैं मक्के की रोटी और पुदीने की चटनी, जो काफी ज्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनने वाली है। तो गाइस चलिए फाइनली बनाते हैं जल्दी। फाइनली हमने ये पुदीना ले लिया है, तो अब इसको अच्छे से साफ कर देते हैं। तो फाइनली मैं इसको जल्दी साफ कर देता हूँ गाइस, और हरी मिर्ची ले ली गाइस, हरी मिर्ची भी डालनी है इसके अंदर। तो फाइनली जल्दी इसको पहले साफ कर देता हूँ मैं। फाइनली हम तोड़ रहे हैं, और ये देखो ये पत्ते तोड़ दिए और पुदीने के, और ये और है तो हम तोड़ रहे हैं। कुशन यहाँ पे बैठा है ना कुशन, और इधर हम तोड़ रहे हैं गाइस, ये देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो अब हो रही पुदीने की कटिंग आराम से कुछ इस तरीके गाइस। अभी बनाते हैं पुदीने की चटनी, और मम्मी बनाएगी है ना मम्मी। तो गाइस थोड़ी हम लाल सूखी मिर्च ले लेते हैं, और थोड़ी सी लेनी है, कुछ ज्यादा नहीं लेनी है। तो देखो मम्मी ये ले रही है कुछ इस तरीके से, बस इतनी ले लिया। और देखो अब इसको सबसे पहले इसको पीस देते थोड़ा सा, हमने थोड़ा सा पानी ले लिया यहाँ पर। अभी मम्मी वापस क्रश करिए ना, मम्मी क्रश कर गई कुछ इस तरीके से। फाइनली हमने थोड़ा सा ये नमक डाल दिया है कुछ, तो मम्मी फाइनली नमक डाल दिया, अभी क्रश कर रही है अच्छे से। तो फाइनली हरी मिर्ची ले ली मम्मी ने इतनी सी, और हरी मिर्ची कटिंग कर रही है मम्मी, ये देखो कुछ इस तरीके से। सो गाइस तो फाइनली हम बनाए थे अच्छे से पुदीने की चटनी और मक्के की रोटी। फाइनली मम्मी इधर हरी मिर्ची कटिंग कर रही है आराम से, ये देखो कुछ इस तरीके से। तो मम्मी ने ये सारी हरी मिर्ची काट दी गई, ये देखो अब इनको क्रश करना है अच्छे से पत्थर से, ये देखो कुछ इस तरीके से, ये कर रही मम्मी कर्स। थोड़ी हरी मिर्ची और ले ली, अब मम्मी वापस कर्स कर रही गाइस, ये देखो गाइस कुछ इस तरीके से। गाइस फाइनली मम्मी ये देखो कर्स कर रही है, और ये अपना पुदीना, अब इससे बनने वाली अपनी चटनी मेन। तो फाइनली मैं डाल देता हूँ, मम्मी डाल दूं, डाल दे ठीक है, थोड़ा सा ये डाल देता हूँ, ये गाइस कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा और डाल देता हूँ ये। तो फाइनली ये मैंने डाल दिया, तो इसे भी डाल देता हूँ मैं, ये देखो जो बचा है इसे भी डाल दिया। ये देखो अब हो रही पुदीने की कटिंग आराम से कुछ इस तरीके गाइस, ये देखो बहुत मस्त है, खुशबू अच्छी आ रही है ना, खुशबू काफी मस्त आ रही है, ये देखो मस्त आ रही है खुशबू, काफी गजब आ रही है गाइस। सो गाइस फाइनली हमने हरा धनिया ले लिया है, और हरे धनिया की कटिंग कर दी अच्छे से, अब इसको मैंने पानी भी डाल दिया, अब इसको वॉश कर देता अच्छे से धो के। गाइस फाइनली ये हमने हरा धनिया ले लिया, अब इसके अंदर डालते है ना डाले, तभी डालते गाइस कुछ इस तरीके से। मम्मी ले रही है, और ये डाल दिया मम्मी ने। तो फाइनली मम्मी ने ये सभी ले लिया है ना मम्मी, अभी मैं इसको अच्छे से पीस देगी कुछ इस तरीके से। तो भाई ये फाइनली पुदीने की चटनी है, खाने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है, हमारा अधिकतर ये बनती रहती है, तो खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। तो हम गांव में किस तरीके से बनाते हैं हम पूरी प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। तो फाइनली देखो मम्मी ये क्रश कर रही है धनिया को, ये देखो फाइनली, ये भाई जल्दी जल्दी हो रहा अपना, ये धनिया क्रश हो रहा अच्छे से। ये है जीरा, मम्मी ले ले जीरा है ना, आप मुझे बता देना कितना लेना, ठीक है देख लेना हो गया। तो फाइनली मम्मी को दे दिया मैंने जीरा, अब मम्मी डाल देगी गाइस, डाल दो मम्मी, ये देखो गाइस इतना सा जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा ये लहसुन भी ले लिया, और थोड़ा सा ये बाद में डालेंगे, तो इतना सा लहसुन डाल रही है मम्मी। देखो लहसुन और जीरे को अच्छे से क्रश कर रही है कुछ इस तरीके से, ये देखो, और अपने ये एकदम पुदीने की ग्रीन चटनी तैयार हो रही है गाइस, ये देखो भाई पुदीने की ग्रीन चटनी तैयार हो रही है अपनी। भाई फाइनली अपनी पुदीने की चटनी तैयार हो चुकी है, अभी ले लेते हैं। तो भी फाइनली मम्मी ले रही है इस तरीके से, देखो ठीक है, जल्दी जल्दी ले लेते हैं मम्मी, ठीक है मम्मी ले रही है, ये देखो ये ले रही है मम्मी पुदीने की चटनी, एकदम हरी हरी ग्रीन चटनी लग रही है, देखो ये कुछ इस तरीके से। हमने ये पुदीने की चटनी ले ली है ये कुछ इस तरीके से, ये अपनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब इसको गर्म करना है अच्छे से। तो गाइस तो फाइनली अभी क्या करते हैं, मक्के की रोटी बनानी है, तो मक्के का आटा ले रहा है गाइस, ये देखो मम्मी ने ले लिया है इतना सा, और मम्मी बनाते हैं मक्के की रोटी है ना मम्मी अच्छे से, खाने में स्वादिष्ट लगेगी है ना। पुदीने की चटनी और मक्के की रोटी काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी खाने में, कॉम्बिनेशन भी गाइस एक नंबर है कुछ इस तरीके से। मम्मी ये आटे को चाल रही है गाइस, सो गाइस तो फाइनली ये देखो पूरा ले लिया है आटा इतना सा, अभी लेते नमक है ना मम्मी, ये देखो मम्मी ले रही है नमक। सो गाइस इतना सा ये नमक ले लिया हमने, ये देखो ऊपर ऊपर कुछ इस तरीके से, ये मिट्टी की कैलरी है जिसे आप कैलरी बोलते हैं हम, ये देखो कुछ इस तरीके से, अब इसको रखते ऊपर है ना मम्मी, तब तक ये गर्म हो जाएगी, ये रुक दो। तो मम्मी ये नमक और मक्के के आटे को मिक्स कर रही है गाइस, ये भाई कुछ इस तरीके से तरफ साइड कर दिया है मम्मी ने। तो मक्की की रोटी बनानी है, तो मम्मी कुछ इस तरीके से करेंगे, ये देखो गाइस मम्मी बना रही है। तो सबसे पहले रोटी को ऐसे बनाना पड़ता है कुछ इस तरीके से, ये देखो। तो फाइनली हमारे गांव में कुछ इस तरीके से ही मक्के की रोटी बनती है, और जैसे कि खाने में ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, और हमारे गांव में अधिकतर बनती रहती है, ये बिल्कुल देसी स्टाइल में अपने चूल्हे पे बन रही है गाइस, ये देखो ऊपर मिट्टी का तवा रख दिया हमने ये, और देखो थोड़ा सा ये टूटा हुआ भी है, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा अच्छे से बन जाएगा ये गाइस, ये कुछ इस तरीके से
तो फाइनली भी मम्मी बना रही है मक्के की रोटी, तो और खाने में काफी स्वादिष्ट और अमेजिंग लगती है ये मक्के की रोटी। सो गाइस देखो मम्मी ये मक्के का आटा का ये ऐसे बना रही है कुछ गोल गोल बड़ा सा है ना मी, इसे बनेगी सबसे पहले ना मी, ये कुछ इस तरीके से। तो मम्मी ने थोड़ा सा पानी और ले लिया है, और आप भी जब बनाओ तो कुछ इसी तरीके से बनाना जैसे मम्मी बना रही है। ऐसे देखो ये तो ये बन रही है ऐसे, मम्मी ऐसे बना रही है गाइस, ये देखो कुछ ऐसे है ना भाई, इससे क्या रोटी बड़ी हो जाएगी ना भाई, रोटी बड़ी हो जाएगी, ये ऐसे करते रहना है और धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये पूरी रोटी बड़ी हो जाएगी गाइस। ये कुछ इस तरीके से ये तैयार होने आ गई है ना भाई, तैयार होने आ गई, और इधर अपना मट्टी का तवा है वो भी गर्म हो चुका फाइनली। तो फाइनली रोटी तैयार हो चुकी है, अब डालते इसको मिट्टी के तवे के ऊपर। सो गाइस ये फाइनली मम्मी डाल दिया नीचे अपने आराम से, इसी स्टाइल पे चूल्हे पे बन रही है, और ये आग लग रही है, लकड़ियां लग रही है साथ में, ये देखो। और इधर मम्मी सेकंड रोटी और तैयार कर रही है, ये भाई कुछ इस तरीके से, ये देखो कर लो मम्मी ठीक है, ये पानी डाल दिया है मम्मी ने। सो गाइस तो मम्मी देखो सेकंड रोटी बना रही है, ये कुछ इस तरीके से अपनी रोटी एक तरफ से पक चुकी है, और मम्मी ये मम्मी ने सेकंड तरफ से फेर दी है ना मम्मी, मम्मी वापस चेक कर रही है ना मम्मी पकी है नहीं पकी, तो ये कुछ इस तरीके से देखो एक तरफ से पके है ना, हाँ थोड़ी सी कच्ची है। मम्मी आपको कितना समय हो गया बनाते बनाते? मेरे को 50 साल की उम्र है। आपकी 50 साल की आयु हो गया ना? 12 साल में मैं रोटी बनाने सीखी। अच्छे से है ना? मेरे मम्मी लकमा में पड़ गई, मेरे पापा भी लकमा में पड़ गया। हाँ। तो कोई साथ है कोई तो मैं तो रोटी तो बना, हाँ मम्मी तो खिलाना पड़े, हाँ मम्मी पापा खिलाया। तो गई तो क्या हुआ, तुम जैसे कि मेरे नाना जी और नानी जी बीमार हो गए थे, तो मम्मी जब छोटी थी तभी से खाना बनाने सीखी थी मक्की की रोटी। उस समय क्या होता था कि जैसे गेहूं इतने थे नहीं, जैसे कि मक्की अधिकतर हो जाती थी गेहूं के लिए, जैसे कि उतने नहीं थे, तो मम्मी गेहूं की रोटी भी बना सकती थी, जल्दी सीख गई, और मक्की की रोटी बनाना भी जल्दी सीख गई। तो उस समय क्या कि इतने हम पैसे भी थे, उस समय मम्मी का परिवार और हमारा परिवार काफी ज्यादा गरीब था, मेरे दादाजी और मेरे नाना जी है ना वो काफी ज्यादा गरीब थे। तो उस समय मम्मी छोटी पढ़े भी नहीं थे है ना मम्मी, ज्यादा पढ़े हुए नहीं ना, हाँ बिल्कुल अंगूठा छापे मम्मी, बिल्कुल अंगूठा छापे। उस समय इतनी एजुकेशन नहीं थी, क्योंकि हमारा रिसेंटली हमारा देश है ना अंग्रेजों से आजाद हुआ था, उस समय इतनी एजुकेशन नहीं थी, तो इस वजह से मम्मी इतने पढ़े हुए भी नहीं है ना, सही बोल रहा हूँ ना। मम्मी अभी बना रही, देखो ये रोटी बना रही, और मम्मी ने ये रोटी नीचे उतार दी है ना मम्मी, ये देखो रोटी उतार दी, ये कुछ इस ऐसे फेरते रहना है और अच्छे से सेक पाएंगे हम अच्छे से, ये देखो। और दूसरी रोटी इधर तैयार हो गया ना मम्मी, तो मम्मी ने फाइनली ये सेकंड रोटी ऊपर डाल दी, और एक रोटी इधर फर्स्ट वाली दी है और सेकंड वाली मम्मी ने इधर डाल दी। तो अपनी ये फाइनली सेकंड रोटी भी तैयार हो चुकी है, अब इसको घुमा दिया ना मम्मी, एक तरफ से पक चुकी है अपनी, ये देखो मम्मी ने ये घुमा दिया कहीं। सो गाइस तो फाइनली अभी मम्मी और चेक करिए पके पके पकने आ गया ना, फाइनली अपनी ये रोटी तैयार हो चुकी है फर्स्ट रोटी। और भाई ये देखो ये बता दे भाई, ये देखो कैसी लग रही है रोटी, देखो ये एकदम कड़क कड़क, फिलहाल ये गर्म है ये कड़क है देखो। सो गाइस तो फाइनली अपनी ये सेकंड रोटी नीचे उतर चुकी है, तो अपनी फाइनली ये तीसरी रोटी जा रही है तवे के ऊपर, ये देखो मिट्टी के तवे के ऊपर ये चली गई है। फाइनली अपनी ये लास्ट की रोटी तैयार हो रही है, ये वाली सेकंड रोटी तैयार हो चुकी है, अब मैं इसको यहाँ उठा देता हूँ। ओ भाई काफी ज्यादा गर्म है, ये देखो अपनी रोटी कितनी अच्छे से तैयार हुई, और ये लास्ट रोटी मम्मी ने ये ऊपर डाल दी। मम्मी फैन लोगी, ये देखो मम्मी ये सब काम खत्म हो गया, अब मम्मी हाथ धो देगी इधर ये। सो गाइस फाइनली अपनी ये लास्ट रोटी तैयार हो चुकी है, और ये देखो अपनी सभी रोटियां तैयार हो चुकी है। तो फाइनली अपनी मक्के की रोटी तैयार हो चुकी है, नई चटनी तैयार करनी, तो मैंने ये कढ़ाई रखी, इसके अंदर डाल देता हूँ मैं तेल। सो गाइस फाइनली मैंने ये तेल डाल दिया इतना सा, ये देखो लहसुन है, अब इसको डालते हैं इसके अंदर। फाइनली मैंने ये लहसुन डाल दिया, इसके भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं, अब डालते हैं ये चटनी है, इस चटनी में डाल देते गाइस, अब इसको मैं अच्छे से हिला देता हूँ। तो मैं बीच बीच में से हिलाते रह रहा हूँ गाइस, देखो अपनी एकदम पुदीने की चटनी तैयार हो रही गाइस। सो गाइस तो फाइनली अपनी पुदीने की चटनी तैयार होने आ गई है, ये देखो कुछ इस तरीके से भाई, देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। सो गाइस तो फाइनली अपनी पुदीने की चटनी तैयार हो चुकी है कुछ इस तरीके से, फाइनली तैयार हो चुकी है, अब इसको निकालते हैं बाहर, ये देखो इसके अंदर निकालना है, ये देखो अपनी पुदीने की चटनी बाहर निकाल रहा हूँ मैं, इतनी निकाल दी है मैंने। सो गाइस तो फाइनली अपनी रोटी आ चुकी है, ये देखो मक्के की रोटी, तो फाइनली मैं ले लेता हूँ थोड़ी सी चटनी इसके अंदर ले लिया मैंने, ये गाइस इतनी सी भी खाकर ट्राई करता हूँ, तो अभी फाइनली खाता हूँ मैं ये ले ली। सो गाइस तो फाइनली मैंने खाई भाई, अमेजिंग लग रही अपनी मक्के की रोटी और पुदीने की चटनी, तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही, फाइनली मैं और खा लेता हूँ खाना, और फिर मिलता हूँ वापस। सो गाइस तो फाइनली मैंने खाना खा लिया, मक्के की रोटी और पुदीने की चटनी गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग बनी थी। तो फाइनली आज का व्लॉग भी इतना ही, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।